दोस्तों अपने वादे के मुताबिक मैं इस वक्त बरेली के झुमका चौक पहुंच चुका हूं। जैसा कि कल मैंने रास्ते में बताया था आपसे कि हम बरेली में आए हुए हैं एक कवरेज पर, हमने कवरेज कर लिया है, उसकी रिपोर्ट अलग से आपको हम भेजेंगे और प्रसारित करेंगे एशिया टाइम्स टीवी पर। लेकिन ये आपके लिए जो आपकी जो आपसे जो मैंने वादा किया था झुमका चौक का, और इसी झुमके का जिक्र है उस गाने में जिसका बार बार आप जिक्र करते हैं, आप उसे गुनगुनाते हैं और उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे। तो आइए चलते हैं कि झुमका चौक कैसे बना। मैं आपको बता दूं कि झुमका तिराहा बरेली के नाम से इसे बनाया गया है और बरेली विकास प्राधिकरण ने इसे बनाया है। अभी ये नया नया है, डेवलप किया जा रहा है, लेकिन एक अच्छी चीज़ जो बरेली और झुमका जो एक दूसरे के साथ एक तरह से संबद्ध हो गए थे उसको बाकायदा तौर पर इन्होंने अडॉप्ट किया है, एक्सेप्ट किया, ये बड़ी बात है। आइए, ये फोटोग्राफी कर चुके हैं आप? कर चुके हैं आप? क्या लगा आपको झुमका चौक आकर, क्या लगा आपको? देखिए, जिस तरीके से हमारे कल्चर को, सिविलाइजेशन को सहेजने की कोशिश कर रहा है ये यंगर जनरेशन, ये झुमका चौक किसने बनवाया? ये जो अभी 2020 में बना है ये झुमका चौक, और ये गाना कब बहुत फेमस बहुत हुआ था? बहुत पहले। तो ये अभी का जो जनरेशन है, इसको पास्ट को लेके जो नज़रिया है, जो मेंटेलिटी है, वो बहुत अहम है, और इसको इनकरेज करना चाहिए कि हम जो हमारा जो हिस्ट्री है उसको सजोने की कोशिश करें। यानी आप कह रहे हैं कि झुमका, देखिए ये बता रहे हैं मेरे साथ सादात अनवर हैं, बता रहे हैं कि जो यंगर जनरेशन है वो अपने कल्चर को, अपने हेरिटेज को किस तरह से रिवाइवल कर रही है कि सालों पहले, दशकों पहले ये गाना गाया गया और बहुत मशहूर हुआ हिंदी फिल्मों में, और उसका बाकायदा उसकी एक सेलिब्रेशन के तौर पर उसके एक स्थल बना दिया गया आप यहाँ पर, ताकि नौजवान आएँ और अपने उस कल्चर और हेरिटेज को याद करें और उसे सेलिब्रेट करें और उसके साथ एसोसिएट हों। आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हाँ, एक चीज़ ये मैं आपको बताना रह गया कि रुहेलखंड मेडिकल कॉलेज द्वारा ये स्थापित किया गया है 2020 में। वैसे तो इसको जो, इसकी जो रख रखाव है उसको जो बरेली का की डेवलपमेंट अथॉरिटी है, बरेली विकास प्राधिकरण जो है वो इसे देखता है, लेकिन इसको जो स्थापित करवाने में जिसका रोल बड़ा है, रुहेलखंड मेडिकल कॉलेज ने 2020 में इसको स्थापित किया है। तो आज हम बरेली के सफ़र पर हैं, आज पूरा दिन हम बरेली में होंगे, शाम को हम दिल्ली में लौटेंगे, लेकिन उससे पहले हमने एक बहुत ही अहम प्रोग्राम कवर किया जिसमें हमने नौजवानों को देखा कि लड़कों को और लड़कियों को बाकायदा फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी गई है, उसकी रिपोर्ट हम अलग से आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन हम बता दें कि उसी कवरेज पर हम आए हुए थे, लेकिन रास्ते में हमें हेरिटेज और कल्चर से जो हमारी वाबस्तगी होनी चाहिए, हमारे दोस्तों से बात हुई और सब ने यह कहा कि हम वहाँ चलेंगे और उस झुमके की तलाश ज़रूर करेंगे, उस किस चौक पर झुमका गिरा था। तो मुझे अभी तो हम यहाँ के लोगों से भी मिलेंगे, आसपास जो चाय की दुकान है और जो चीज़ें हैं उनसे बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन आइए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या दिया गया, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। देखिए ये बहुत ही अच्छी बात, यहाँ पर वो पूरी फिल्म जिसका मैं जिक्र कर रहा था, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, 1966 में बनी फिल्म मेरा साया में आशा भोसले की आवाज़ में एक्ट्रेस साधना के ऊपर ये गाना फिल्माया गया था। फिल्मी एक्ट्रेस साधना ने इस गीत को बखूबी निभाया, गीत इतना पॉपुलर हुआ कि बरेली शहर झुमकों के लिए मशहूर हो गया। तो और भी बहुत सारी बहुत बड़ी कहानी है इसमें, जैसा कि आपने देख लिया, इसको आप बाद में इसे पढ़ लीजिएगा। तो देखिए एक छोटी सी बात एक शायर के जहन में आती है, किसी सीन को फिल्माने के लिए वो उस पर गाना लिखता है, वो गाना बहुत मशहूर होता है, हिंदुस्तान के हिंदी जो भाषी जो लोग हैं, हिंदी फिल्मों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, वो इस गाने के साथ अपने आप को एसोसिएट कर लेते हैं। एक लंबा वक्त गुजरता है, वक्त के साथ साथ चीज़ें बहुत सारी धूमिल हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन बरेली के लोगों को, बरेली के का जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसे इस बात का एहसास था और एहसास हुआ कि नहीं, जिस चीज़ के लिए हम मशहूर हुए हैं हम क्यों ना उसको स्थापित करके उसका एक सिंबल स्थापित कर दें झुमके का, ताकि लोग यहाँ पर आएँ, एक पिकनिक प्लेस, एक स्पॉट प्लेस हो जहाँ पर लोग आएँ, बैठें, जाने और इस बहाने बरेली के कल्चर को भी जानें। बरेली सिर्फ इस वजह से मशहूर नहीं है, बरेली में रूहानियत की एक बहुत बड़ी शख्सियत यहाँ पर पाई जाती है जिसने हिंदुस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बाहर पूरी दुनिया भर में उनके फॉलोअर्स मौजूद हैं। मौलाना अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब, उनका यहाँ पर मज़ार मौजूद है,
बरेलवी फ़िक्र के बारे में आप जानते हैं कि हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर उसके फ़िक्र के नुमाइंदे पाए जाते हैं और रूहानियत से उनका जो ताल्लुक़ है वो हम सब के सामने है। यहाँ उनका मज़ार भी इसी शहर में है। तो ये बरेली अपने कल्चर के हिसाब से, अपनी तहजीब के हिसाब से, अपनी तारीख के हिसाब से कई मानों में पूरे हिंदुस्तान के लिए एक तरह से तवज्जो का मरकज़ है। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत हो सकता है, बनाया तो गया है और कोशिश की गई है कि इसे एक पिकनिक स्पॉट बनाया जाए, लेकिन मैं आप देख रहे हैं कि सामने एक दरख्त है, सूख गया है, उसका कोई ख्याल नहीं किया जा रहा है। दूसरा दरख्त भी सामने सूखा हुआ है। विकास प्राधिकरण ने जब इसका नक्शा बनाया और इसको पास किया और बनाया तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इसे बनाने के बाद इसको बेहतर ढंग से बनाए रखे, खूबसूरत बनाए रखे, ताकि जो लोग भी पिकनिक के तौर पर यहाँ आएँ तो एक इम्प्रेस होकर के जाएँ। हमने इसे देख लिया, लेकिन मैं आपको बता दूँ सही मानों में इम्प्रेस इसलिए नहीं हो पा रहा हूँ कि ये जो आसपास है, सराउंडिंग है, ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर नहीं रही है। झुमका तिराहे से अनीस अहमद के साथ मैं अशरफ अली बस्तवी।